Please subscribe our channel, like, comment and hit the bell icon. वेलकम टू आवर YouTube एजुकेशन चैनल शिक्षण अकेडमी। आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 7 का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 5 यहां पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया गया है, द टेम्परेचर एट 12 नून यहां पे वॉज 10 डिग्री अबव जीरो। देखो यहां पे जो टेम्परेचर था यहां पे नून में 12 o'clock को वॉज 10 डिग्री, यहाँ पे 10 डिग्री अबव जीरो, दैट मीन्स यहाँ पे प्लस में 10 डिग्री अबव जीरो है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे प्लस 10 डिग्री वहाँ पे टेम्परेचर था नून 12 को। इफ इट डिक्रीज एट अ रेट ऑफ 2 डिग्री पर आवर, अभी क्या होता है जो टेम्परेचर है 1 hour में 2 डिग्री जितना टेम्परेचर डिक्रीज होता है होते जाता है। सपोज आज 12 नून मान लो, इस आज को क्या है 12 o'clock को नून में टेम्परेचर आपका 10 डिग्री था, जैसे ये 1 o'clock को पहुँचे 1 o'clock को क्या हो गया 2 डिग्री है डिक्रीज हो रहा है, 2 o'clock को अगेन 2 डिग्री डिक्रीज हो जाएगा, इस तरह से टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। अनटिल द मिड नाइट मीन्स रात के 12 बजे तक, मिड नाइट क्या होता है 12 o'clock तक, एट वॉट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री बिलो जीरो, 8 डिग्री बिलो जीरो दैट मीन्स -8 डिग्री, तो ऐसा कौन सा मान लो टाइम होगा जब इसका टेम्परेचर हो जाएगा -8 डिग्री सेल्सियस। देन सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिड नाइट, मिड नाइट में टेम्परेचर कितना होगा, मिड नाइट मतलब कहाँ पे 12 o'clock को, रात को 12 PM में टेम्परेचर कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें एक क्वेश्चन फाइंड करना पड़ेगा, कौन सा, एट वॉट टाइम वुड बी द टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस या फिर 8 डिग्री बिलो यहाँ पे। तो इसके लिए देखो सपोज यहाँ पे हमारा 12 o'clock को, यहाँ पे 12 o'clock को टेम्परेचर कितना था 10 डिग्री, देन देखो एवरी 1 hour में 2 डिग्री डिक्रीज हो रहा था, यहाँ पे 2 डिग्री क्या हो गया डिक्रीज हुआ मतलब 8, तो टाइमिंग कितना हो गया 1 o'clock, देन अगेन यहाँ पे डिक्रीज हुआ 2 डिग्री 2 o'clock 1 hour में, देन अगेन ऐसे 3 o'clock यहाँ पे 4 o'clock देन 5 o'clock 0, 5 o'clock को कितना हो जाएगा 0, देन अगेन 6, ये आपको समझाने के लिए मैंने भी ड्रॉ किया हुआ है, देन अगेन 2 degree तो कितने पे हो जाएगा 7 o'clock, देन अगेन 2 degree यहाँ पे आ गया 8 o'clock, देखो अगेन 2 degree, देखो -8 degree आ गया आपका, यहाँ पे मैंने टेम्परेचर इसको डिनोट किया तो माइनस यहाँ पे हमें बिलो जीरो दैट मीन्स -8 degree, तो यहाँ पे कितना आ गया 9 o'clock दैट मीन्स 9 PM, ये आपका 12 PM से स्टार्ट हुआ तो कौन से टाइम पे आया है 9 PM, तो आंसर आपका आ जाएगा 9 PM, बट हम ऐसे नहीं राइट कर सकते, हमें क्या करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे राइट करना होगा ढंग से। ओके तो डिक्रीज यहाँ पे आप इस तरह से लिखो, आंसर तो आपको मालूम हो गया, तो लिखोगे द डिक्रीज इन टेम्परेचर फ्रॉम 10 degree Celsius to -8 degree Celsius, यहाँ से यहाँ पे डिक्रीज हुआ, तो इसके लिए टाइमिंग कितना है, देखो कितना अब यहाँ पे आएगा आपका, यहाँ पे 10 degree Celsius माइनस क्या हो जाएगा 10 degree, कितना डिक्रीज हुआ इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगाया, और ये हमारा पहले का माइनस इस डिग्री सेल्सियस का, देन आपका आया 10 degree प्लस माइनस माइनस प्लस 8 degree, टोटल कितना हो गया 18 degree टेम्परेचर यहाँ पे डिक्रीज हुआ 18 degree। अब यहाँ पे 18 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो देखो 1 degree यहाँ पे 2 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो कितने आवर हो रहा था यहाँ पे 1 hour में। अब यहाँ पे अगर आपका 18 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो कितना आवर लगेगा, तो आप इस तरह से बिकॉज ये 2 डिग्री टेम्परेचर इज 1 hour में डिक्रीज हो रहा था, देन आपके पास 18 डिग्री टेम्परेचर है इसको डिक्रीज होने में कितना आवर लगेंगे, तो देखो 18 डिग्री डिवाइडेड बाई ये 2 डिग्री आएगा, 18/2 दैट इज योर यहाँ पे डिग्री डिग्री कट हो जाएगा, यहाँ पे आवर में आंसर आएगा कितना आवर आना चाहिए, मैंने क्वेश्चन मार्क्स राइट किया है 18/2 दैट इज योर 9 आवर, क्या आएगा यहाँ पे 9 hours, टोटल 9 hours लगेंगे यहाँ पे टेम्परेचर -8 degree होने में, मीन्स 18 degree डिक्रीज होने में, 10 से लेके -8 तक गया तो यहाँ से देखो 18 डिग्री डिक्रीज हुआ और इसको होने में 9 hours लगे, तो आप यहाँ पे राइट कर सकते हो, इसलिए आंसर राइट कर सकते हो द टेम्परेचर, यहाँ पे राइट करो द टाइम
9 hours after 12 noon will be, यहाँ पे 9 hours लगा तो क्या होगा, 9 PM ही हो जाएगा ना टाइम आपका, 12 से लेके 9 hours कितना होगा, 12 PM आपका टाइमिंग होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। नाउ सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे, सेकंड क्वेश्चन फिर से देख लो एक बार। सेकंड क्वेश्चन में है, एट व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, मिडनाइट दैट मीन्स 12 o'clock, 9 o'clock तक हम पहुँच गए थे, कितना आया था, -8 degrees आ गया था। देन आगे देखते हैं, देन और 2 degrees डिक्रीज होगा, 10 o'clock हो जाएगा, अगेन 2 degrees, अगेन 2 degrees, ऐसे नए यहाँ पे 12 o'clock तक हमें डिक्रीज करना है, ठीक है। अब आपको देखो, जैसे मिड ओ क्लॉक है तो टोटल आपका क्या हो रहा था यहाँ पे, 12 से 12 तक, फ्रॉम 12 noon टू 12 midnight, ओके, यहाँ से यहाँ तक, तो टोटल आवर्स कितने हो गए, टोटल आवर्स हो गए तुम्हारे पास 12 hours, है ना, यहाँ से 12 से 12 जाओगे तो कितने आवर होंगे, 12 hours हो गए। अब देखो 1 hour में आपके पास कितना डिक्रीज हो रहा था टेम्परेचर, 2 degrees, तो 12 hours में टेम्परेचर कितना डिक्रीज होगा, ओके, टेम्परेचर फॉल आप राइट कर सकते हो, टेम्परेचर फॉल इज इक्वल टू आएगा 12 into 2 degrees Celsius, बिकॉज 1 hour में कितना, 1 hour में 2 degrees यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो 12 hour में कितना होगा, 12 to 24 degrees Celsius यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, ओके, 12 यहाँ से इतना डिक्रीज हो जाएगा। अब टेम्परेचर आपका पहले कितना था, 10 degrees था, 12 o'clock को कितना आएगा, तो यहाँ पे आप राइट करोगे, देखो एट 12 midnight midnight द टेम्परेचर विल बी, द टेम्परेचर विल बी, पहले आपका 10 degrees थे यहाँ पे, देखो पहले आपका 10 degrees था यहाँ पे, 10 degrees से डिक्रीज होते हुए कितना 24 degrees डिक्रीज हुआ, तो टाइमिंग कितना होगा, आप वो यहाँ पे आपको टेम्परेचर बताना है क्या टेम्परेचर होगा। तो देखो यहाँ पे 12 hours में 24 degrees टेम्परेचर यहाँ पे डिक्रीज हुआ। अब पहले आपका 10 degrees था, इसमें से 24 को डिक्रीज कर दिया हमने, तो बचा कितना आपका 10 minus 24, दैट इज़ योर -14 degrees टेम्परेचर आपका बचेगा। 10 degrees से आप 24 degrees उसमें डिक्रीज कर दिए, तो आपका -14 degrees टेम्परेचर बचेगा, जो 12 midnight को आएगा, आपका रात को 12 बजे टेम्परेचर होगा आपका -14 degrees। तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।